हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए। और देखो कितनी अच्छी लोकेशन पे निकल चुके हैं सुबह सुबह। और बाल को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि स्कूटी में ना तो ऐसे उड़ते रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जो कि एक लॉन्ग ट्रिप मैंने तैयार की हुई है। तो उस चक्कर में मैं मॉर्निंग में सुबह घर से 4:30 बजे निकल गया था। और अभी आप देख सकते हो कितनी तगड़ी लोकेशन है। और अपने साथ एक मेरे भाई हैं और बैग अपना है, स्कूटी है। बस अब यहाँ से अपनी ट्रिप शुरू हो गई है। बाकी तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, और कुछ एक्सपीरियंस भी आपको नए नए तरीके के, जो लोकेशन है और कहाँ जाने वाला हूँ वो सस्पेंस रहेगा थोड़ा थोड़ा, और रिवील भी मैं करता रहूँगा। तो वीडियो में जुड़े रहना, और बाकी तो सिनेमेटिक शॉट आप इन्जॉय करिएगा ही। मिलते हैं आपको ऐसे कंटिन्यू जर्नी में। तो फाइनली दोस्तों लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे इंटर हो चुके हैं, और लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, पहली राइड इतनी लंबी, जो कि आप देखो क्या नज़ारे लग रहे हैं मेरे को। तो मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और फीलिंग A1 क्लास की है। निकल चुके हैं अपनी राइड पे, और अब हम सीधा जा रहे हैं आगरा। और आगरा में तो डिसाइड किया हुआ है मैंने, अभी तो वहाँ पे रुकेंगे एक दिन, ताजमहल है और वहाँ पे जो भी चीज़ें देखने को वो देखूँगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम है मेरा मथुरा, जो अपनी स्कूटी से मैं करने वाला हूँ। और मेरे साथ मेरे भाई हैं, यानी मेरे पास में रहते हैं, यानी कि पड़ोस में रहते हैं। और फर्स्ट टाइम ज़िंदगी की रोड ट्रिप हो रही है, ज़िंदगी फर्स्ट टाइम, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे को, और इतनी एक्साइटमेंट और फीलिंग है ना कि पूछो नहीं बस। और बाकी तो नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे आगे चल के, जुड़े रहिएगा वीडियो में। अभी तो दूसरा स्टॉप ले लिया गया है फ्रेंड फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि इधर लोकेशन बहुत तगड़ी है और मस्त सही लोकेशन हो रही सुबह अभी। हाँ फिर हमें अच्छा भैया ने मेरे को डरा दिया, ऐसा लगा कि वो बैग अभी चेक कर रहे थे अपना, तो DSLR लाना था साथ में, और DSLR हालांकि निकल गया बैग से, लेकिन है मतलब बैग ही में है। और अभी उसी से एक दो फोटो ज़रा क्लिक करेंगे, फिर आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे आप देख रहे हो डिस्प्ले पे आ रहा होगा, ये आप फॉलो करके मेरे को देख सकते हो, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी वहाँ पे। और ये पूरी ट्रिप की जो जर्नी है, शॉर्ट रील है, जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं आपको वहाँ इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। अच्छा आपको खड़े होना है तो आप इधर। अब यार देखो फर्स्ट टाइम आया इधर, तो रूल अपने को पूरा मालूम नहीं है कि कौन सी पट्टी कौन सी होती है। ये येलो कलर की पट्टी पड़ी तो पता नहीं, इधर आके फिलहाल रुके हुए हैं। और ऐसा कुछ होगा तो फिर जो यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो इंस्ट्रक्ट कर ही देंगे। तो बाकी तो मज़ा आ रहा है, और सुबह सुबह जो वेदर हो रखा है A1 क्लास का, और ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो फीलिंग बहुत अच्छी अंदर से आ रही है सच पूछो यार, मज़ा आ रखा है पूरा। और ये यार देख सकते हो आप, हाँ चाबी है मेरे पास। काफ़ी भाई साहब ये जो आप देख रहे हो ना, ये पता नहीं जस्टिफाई कर पा रहा होगा नहीं, बहुत A1 क्लास की जो व्यू लग रहा है। एक दो फोटो शूट कर लेते हैं ज़रा, फिर चलते हैं आगे। दोस्तों अभी जहाँ तक कि दोस्त तीसरा या चौथा ब्रेक लिया होगा अभी, तो हमने पानी नहीं पीने के लिए,
बाकी वेदर भी ओके, मस्त हो रखा है यार, कुछ भी को मजा आ रही राइड में। और अभी यहाँ से कितना, 150 होगा, 130 किलोमीटर बचा है आगरा, ये भी कर देंगे फटाफट से, पहुँचते फिर देखते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं क्योंकि बम में दर्द होने लगा है सच पूछो तो। और बाकी हाईवे तो नो डाउट बहुत अच्छा है, मस्त रोड है, कतई पानी सी गाड़ी भागती है, फुल्ली लोडेड है। ओके फ्रेंड्स, You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm. Even the night's the darkest before the dawn. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you hear what you believe. नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी इतनी यूज गाड़ी हो, आप पता नहीं कैसे उसको हैंडल करते होंगे इतनी लॉन्ग राइड पे। ओके सर, नाइस टू मीट यू सर, होप करता हूँ दोबारा मिलूंगा। या ओके, या ओके बाय। जो चीज मैं वीडियोस में देखता था लोगों के, राइडर्स जो लोग मैं वीडियोस में देखता था, सच में सोचता था कि एक बार इनसे मिलने का मौका मिलेगा, ये करीब से देखने का मौका मिलेगा, गाड़ी को एक बार छूने का मौका मिलेगा, जो इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं। लेकिन होप सो वो धीरे धीरे बोलते ना ड्रीम पूरा हो जाता है। तो बाकी में जो ये पर्सन थे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपना कार्ड भी दिया हुआ है मुझे। और ये लखनऊ से अभी नोएडा जा रहे हैं क्योंकि नोएडा में रेसिंग बता रहे किसी चीज़ की होती है, तो रेसिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है काफ़ी। और इनकी इतनी ह्यूज गाड़ी थी जो कि हायाबूसा गाड़ी थी इनकी, और 50 इयर्स ओल्ड थे, जो कि मुझे लगता नहीं इतने इयर्स ओल्ड होंगे कि इतनी फिट इनकी बॉडी थी। वेरी बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपको, अगर मेरी ये वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिल करके। और बाकी बस यहाँ से कितना, 80 किलोमीटर है, कितना यहाँ से 70-80 किलोमीटर बचा होगा आगरा बस, वो भी अब थोड़ा थोड़ा गर्मी शुरू हो गई है, वो भी अपना लोग कंप्लीट कर ही देंगे। और फिर उसके बाद तो ताजमहल फिर देखेंगे, और भी जो वहाँ पे आगरा में वो भी देखेंगे, फिर निकल जाएंगे उसके बाद। अभी होटल बुक नहीं किया है, बुक करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मुझे यहाँ पे आने का जो टोल टैक्स लगा है, जो मैंने हरदोई से आगरा टोल टैक्स लिया तो वो 265 रुपये का पड़ा मेरे को। और बाकी जो मैंने ऑयल वेल, यहाँ पे एक चीज़ और है, आप तेल का ध्यान रखिए काफ़ी, क्योंकि पेट्रोल जो है इसमें, इस हाईवे पे मेरे को सिर्फ अभी तक 3 मिले हैं, जो भी मैंने 250 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का भी तय किया हुआ रास्ता, तो मुझे सिर्फ पेट्रोल पंप 3 देखने को मिले। तो होप सो आप लोग प्लीज़ अलग से पेट्रोल एक कैरी जरूर करना बॉटल में, अगर यहाँ पे अलाउ करते हैं तो। फिलहाल मैंने भी पूछा नहीं किसी से, और बाकी सब तो बढ़िया है, मज़ा आ गया कुछ भी को। और एक चीज़ जो जैसे आप देख रहे होगे, वो 4 लेन आपको दिख रही होगी, एक उधर वाली, बीच वाली ये, और देन 4th। तो आप कोशिश करिए, कोशिश का आपको रूल यही है टू व्हीलर्स वालों के, एक ये रूल और एक देन ये वाले, आप इस पे चलाइए, कितनी भी स्पीड चलाइए कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज हैवी वाहन उस पे पीछे आते हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पे सेकंड पे और 4th पे आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, टू व्हीलर हो कितनी भी भगाइए कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इस हाईवे पर, बाकी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बस चल रही है और सब कुछ अच्छा है।